दोस्तों आज फिर से नए ब्लॉग में आज स्वागत है। काफ़ी दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था तो आज ब्लॉग बनाते हैं। और आज जन्माष्टमी है तो जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपको लेके चलते हैं इस्कॉन मंदिर राजकोट में, जो कि हम तो कभी गए नहीं हैं। आज देखते हैं कैसा है, तो चलते हैं, मिलते हैं वहीं पर। हम मंदिर में पहुंच तो गए पर यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है। मंदिर का व्यू जो है बिल्कुल प्रेम मंदिर के जैसा ही दिख रहा है। और यहाँ पे दर्शन थोड़ी लेट होंगे क्योंकि आज जन्माष्टमी है, तो साथ जो श्रृंगार में उनका टाइम लगेगा। तो आज देखते हैं कितने टाइम तक होता है यहाँ पे दर्शन। ये मंदिर में अंदर की ओर प्रवेश होते हुए, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा विशेष सभी भीड़ नहीं है, सभी लोग मन ही मन भजन कर रहे हैं। यहाँ हमने पूछा तो यहाँ पे पता चला कि हर रोज़ तो 9 बजे के आसपास हो जाती है आरती, लेकिन इस टाइम आज जन्माष्टमी है तो इस टाइम आज 11 बजे के आसपास ही हो पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो कृष्ण भगवान के जो दरबार हैं और राम भगवान की और जो भी अन्य देवी देवता के, वो अभी बंद हैं और सिर्फ ये चालू है जो कि इसमें दर्शन करते हैं श्रद्धालु अभी भी। और ये परिक्रमा है मंदिर का, जहाँ पे सभी लोग परिक्रमा करते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं है। ये मंदिर के बाहर का व्यू है, जो कि कुछ देवी देवताओं की फ़ोटो और उनके मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहां पर पंचतत्व देव जी स्थापित हैं। ये श्री गोस्वामी जी महाराज हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं बहुत सारे, जो कि गीता है, भगवत गीता है। यहाँ यहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं और मन ही मन में हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ही लोग आते जा रहे हैं और मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है।
Oh.